नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भिंड से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड जिले को बड़ी सौगात दी। बता दें प्रदेश के 69 सीएम राइज स्कूलों से भिंड जिले को 4 सीएम राइज स्कूल दिए और साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भिंड जिले में बनने वाले सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन किया। छोटे छोटे बच्चों की उपस्थिति में जिले के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का वर्चुअल भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उनका उद्बोधन सुना। देखिए, आज प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर से सभी प्रदेश के सभी सीएम राइज स्कूलों का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया, जिसमें हम सभी वर्चुअली जुड़े थे। और मैं इस अवसर पर हमारे भिंड में चार हुए हैं, भिंड में बेहगांव, अमायन और गोहर। मैं भिंड के सभी अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को, सभी अभिभावकों को और भिंड की पूरे जिले की जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जो बच्चे हमारे अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बनकर भिंड के लिए तैयार होगा और आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए विभिन्न तरह के उसमें आयाम रहने वाले हैं। इसलिए मैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, आज भिंड के लिए निश्चित तौर पर बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भिंड में लेवल 4 का स्कूल दिया है। जो स्कूल इंदौर में बनने वाला है वही स्कूल भिंड में बनेगा। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल बनने वाला है, 3,000 से 3,500 इसकी छात्र संख्या रहने वाली है। और निश्चित तौर पर स्कूल बनने से भिंड की शिक्षा व्यवस्था में भी, गुणवत्ता में भी बहुत सुधार होगा और एक विकास के मामले में एक नया अध्याय जुड़ेगा। ये जो स्कूल बनेगा इसके लिए कहाँ जगह सीमित है और कितना समय इसको बनने है? जो पुरानी गल्ला मंडी है वहाँ और जो कॉटनजन कॉलोनी है, दोनों को मिला के इस स्कूल की जगह चिन्हित की गई है। और ये जो आज 69 स्कूलों का भूमि पूजन हुआ है जो प्रथम चरण के, इन सभी स्कूलों के टेंडर भी जारी हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं और ठेकेदारों को अलॉट भी हो गए हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर काम प्रारंभ हो जाएगा। खबर भिंड से है, जहाँ भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तोड़ी चुप्पी। सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, पत्र में तमाम विभागों में भ्रष्टाचार का उल्लेख उन्होंने किया है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह पर पत्र में तंज कसा है। उन्होंने कार्रवाई को लेकर सिर्फ घोषणा करते हैं, कार्रवाई नहीं, पुलिस और रेत माफियाओं की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा, पुलिस रेत माफियाओं से मिलकर अवैध उत्खनन कर लूट करने में लगी है। भिंड पुलिस ने नाबालिग लड़की के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया। बता दें नाबालिग लड़की का हत्यारा पड़ोस में रहने वाला मुंह बोला चाचा ही निकला। आरोपी नाबालिग लड़की को दुष्कर्म करने की नीयत से जबरन बाजरे के खेत में खींचकर ले गया और जब लड़कों ने दुष्कर्म करने का विरोध किया तो आरोपी ने मृतक नाबालिग लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की के लापता होने के 5 दिन बाद बाजरे के खेत में नाबालिग लड़की की लाश मिली। घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग लड़की का स्कूल जाते समय पीछा किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। देवास में नशे के विरुद्ध पुलिस का अभियान जारी है। बता दें दरअसल सीएम शिवराज के सख्त निर्देशन में पुलिस नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है। ऐसे में पुलिस ने स्विफ्ट गाड़ी में नशा कर रहे कुछ लोगों को पकड़ा, जिनसे नशे की बोतलें व ग्लास पुलिस ने जब्त किए। स्विफ्ट में बैठे तीनों लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण बनाए। इस प्रकरण में नशेड़ियों द्वारा पॉलिटिकल प्रेशर लगाकर छूटने की बात की जा रही थी। ऐसे ही 2 दिनों में पुलिस ने 8 नशेड़ियों के खिलाफ प्रकरण बनाते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है और लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। हाँ, हमारा द्वारा लगातार जो है नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत पुलिस अच्छे द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उसमें हम लगातार अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो है शिवा होटल के पास में और उज्जैन रोड के पास में हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई, जो समय स्थान पर अवैध रूप से जो है नशा करते हुए पाए गए थे उनके खिलाफ हमने जो है कार्रवाई की गई है। 36वीं के अंतर्गत कार्रवाई। सूर्य उपासना के साथ लोक आस्था के पावन पर्व पर छठ पूजा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर सेवक सहित सामाजिक लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये पूजा देश भर में छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला सनातनी त्योहार है, जिसको
सनातन धर्म के लोग विधि विधान पूर्वक बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सूर्योपासना के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर त्योहार का समापन किया जाता है। राजेपुर जौनपुर सही गोमती संगम के तट पर रामेश्वरी त्रिमुहानी घाट पर छठ पूजा करते हुए जन सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि सोमवार भगवान सूर्य देव का अर्घ देने के लिए भक्तिमती माताओं बहनों द्वारा छठ माँ का पूजन अर्चन कर भगवान सूर्य देव अर्घ दिया गया। यहाँ की मान्यता है कि सही गोमती का संगम जहाँ पर इसी महीने त्रिमुहानी पर वैशाली मेल लगता है, जहाँ पर भक्त दूर दूर से अमावस्या पर स्नान करने के लिए आते हैं। खरगोन में सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 72 स्कूलों का भूमि पूजन कर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विद्यालय से किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि सीएम राइज स्कूल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे, जिससे समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को इन विद्यालयों के माध्यम से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और जिले के विधायक ने कहा कि खरगापुर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सीसी का निर्माण भी बहुत जल्द किया जाएगा। खबर किच्छा से, जहां नगर पालिका के वार्ड सभासद पत्र पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने किच्छा कोतवाली में धरना दिया। बता दें 10 सितंबर को किच्छा के वरिष्ठ नेता संदेश गुप्ता ने पुत्र विकास गुप्ता पर करीब एक दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल विकास गुप्ता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। विकास गुप्ता के परिजनों सहित तमाम लोगों ने पुलिस पर लापरवाही करने और आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि करीब 1.5 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी हमले के दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। एक यहाँ पर हमारे सभासद हैं सतीश गुप्ता जी, वार्ड नंबर 16 से। उनके पुत्र पर एक जानलेवा हमला हुआ था और उसके काफ़ी घातक हथियारों से उसके चोट लगी है। कई जगह उसकी चोट लगी हुई है, पर लेकिन आज तक पुलिस ने 9 सितंबर से लेकर आज तक 2 महीने होने आ रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं की है। ये तो 3 बार से सभासद हैं। अगर कोई इस जगह आम आदमी होता तो उसकी सुनवाई किस तरीके से होती? लगता है आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी, जहाँ तक लग रहा है ऐसा, क्योंकि थाने में रोज़ आ रहे हैं, रोज़ धरना दिया जा रहा है, रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं, पर लेकिन प्रदर्शन के बावजूद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। आज मालूम पड़ा है कि एक इन्होंने कोई बंटी नाम का गिरफ्तार किया है। हमारे बेटे पे जानलेवा हमला हुआ और लोग भी थे काफ़ी, वो 30-35 लोग थे कम से कम, मैं हथियारों के, ये तो अपने क्या नाम घरवाली को लेने के लिए गया था, यहीं बैठा था थाने में, उनके सामने ही गया थाने वालों के सामने से, उस पर चिपट गया सब। और उसमें ऐसी हालत छोड़ गया कि अगर उसने कोई 1 घंटे उठा कर नहीं लाता तो वहीं उसकी मृत्यु हो जाती। अब उसके बाद हम लोग को ले गया अस्पताल में, उसकी पट्टी उट्टी हुई और गौतम हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया गया। तो वहाँ थोड़ा उसका सुधार हुआ, वो तो मना कर रहा था कि दिल्ली जाना पड़ेगा, सुधार हो गया तो उसकी घटना को लेकर वहाँ से उन्होंने जो मेडिकल दिया बना के, उसके आधार पर 307 लगी है सब पे। अब 5-6 लोग हैं उसमें से गिरफ्तार अभी तक कोई नहीं करा, कह रहे ये कर लिया हमने गिरफ्तार, 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने हो गए। जो भी इस केस में आरोपी हैं उन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, 2 महीने हो चुके हैं, और जो भी FIR में जिसके नाम है सबकी गिरफ्तारी हो तभी धरने से उठेंगे हम यहाँ से। अब 2 महीने हो गए, दबाव में है पुलिस प्रशासन किसी के, तो सरकार आपकी है, भाजपा ही हो आधे से ज्यादा, आप लोग सब जो प्रदर्शन कर रहे हो तो उसके बाद जो सुनवाई क्यों? अब भाजपा के 3 बार से सभासद हैं, हमारे भैया भतीजे की चोट लगी है, अभी तो कोई आरोपी। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक।